There is big drama that is playing out in Jharkhand. Now we are getting to know that the movement has intensified at Jharkhand Chief Minister Hemant Soren's residence. The JMM MLAs have arrived at the state governor's residence. Champai Soren, who is also the transport minister and a key aide of the chief minister, is likely to be the next chief minister of Jharkhand. Hemant Soren, who is also said to be at the governor's residence. Alright, so those are the big developments. Remember, the enforcement directorate team has been installed outside the chief minister's residence for the last 8 hours now. There has been hours of interrogation that has been taking place since the morning. Naveen Nishant on the telecast with me. Naveen, if you could tell us more information about the decision that has been taken of Champai Soren to be the next chief minister. बिल्कुल, देखिए बता दें कि झारखंड में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं संकट में है, और हेमंत सोरेन जो अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो राजभवन पहुंचे हैं, और बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और चंपई सोरेन, जिन्हें झारखंड का टाइगर भी कहा जाता है, जब झारखंड बनने की मांग चल रही थी तो उस समय जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हैं शिबू सोरेन, चंपई सोरेन, उनके साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी झारखंड के अलग राज्य बनाने को लेकर, और हेमंत सोरेन सरकार में एक काफी अहम योगदान था। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं चंपई सोरेन अभी के समय झारखंड में, और उन्हें मुख्यमंत्री है वो बनाया जा सकता है, क्योंकि कल जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम विधायक दल की मीटिंग बुलाई थी तो उसमें दो जो पेपर्स हैं उस पर साइन करवाए गए थे विधायक के, जिसमें एक पेपर कल्पना सोरेन के लिए था और जो दूसरा पेपर था वो चंपई सोरेन के लिए था। तो कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की वाइफ हैं उनके नाम पर सहमति नहीं बन सकी है, और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जो चंपई सोरेन हैं वो झारखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन। इसमें क्या ये कॉन्फर्मेशन है कि चंपई सोरेन ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे? यहाँ पे ऐसी खबरें भी आ रही थी कि शायद हेमंत सोरेन को आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अरेस्ट कर ले। बिल्कुल, देखिए सोच इस बात की जानकारी दे रहे हैं क्योंकि जो चंपई सोरेन है उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है, और आमतौर पर जब विधायक दल का नेता जिसे चुना जाता है तो फिर उसे मुख्यमंत्री उसको माना ही जाता है। तो निश्चित तौर पर चंपई सोरेन जो है वो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं थोड़ी ही देर में, क्योंकि हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे हैं, इस्तीफा देंगे वो, क्योंकि जिस तरह से ईडी लगातार हेमंत सोरेन के ऊपर कार्रवाई कर रही है, आज सुबह से ही जो ईडी की टीम है वो लगातार हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही थी, और बहुत हद तक संभावना ये जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो फिर सरकार कौन चलाएगा, इसकी तैयारी भी हेमंत सोरेन ने पहले ही कर रखी थी, और कल जब रांची में जब विधायकों की मीटिंग बुलाई गई थी तो उसमें कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की वाइफ है और चंपई सोरेन उनके नाम आगे रखे गए थे, लेकिन कल्पना सोरेन के नाम पर सभी विधायकों में सहमति नहीं बन पाई और चंपई सोरेन के जो नाम है उस पर नाम सहमति बनी है। तो ऐसे में चंपई सोरेन जो है वो विधायक दल के नेता चुने गए हैं, और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं, विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया फिर बाहर किया गया, अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ पैरेड कर पाएंगे। नहीं, बुलाना ही है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई घर की बात थोड़ी हो है, जो भी करना है ठोक के करना है और सबको अपना अपना दायरा पता है। नहीं देखिए, कोई सहमति आप लोगों की वो कहानी थी, काल्पनिक कहानी कल्पना जी के बारे में। All right, so that's the cacophony outside the Raj Bhavan in Ranchi, outside the governor's residence. We're getting to know that the JMM MLAs have all gathered to meet the governor. We are also getting to know that Hemant Soren is also at the governor's residence, that he is going to be resigning from his post. And the latest we're getting to know is that it is going to be Champai Soren, who was part of Hemant Soren's state cabinet, who is likely to become the chief minister. Naveen, coming back to you now, this high stakes drama that has been taking place,
पिछले 48 घंटे जो हेमंत सोरेन गायब थे उनके ऊपर काफी सवाल उठाए जा रहे थे, आज वो फिर से रांची में मिले हैं। अब यहाँ पे देखा जाए जो इतने घंटों की जो इंटेरोगेशन की गई है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, क्या क्या लगता है आपके सूत्रों के हवाले से क्या खबर आ रही है, क्या उनका अरेस्ट होना एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा अब निश्चित है क्या? अगर हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा देने अगर राजभवन पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर हेमंत सोरेन को अपने पद से इस्तीफा देने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन चूंकि जो ईडी है वो लगातार हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है और कल अचानक से जो हेमंत सोरेन है वो रांची पहुंचे थे, क्योंकि दो दिनों से जो ईडी है वो हेमंत सोरेन की तलाश कर रही थी, दिल्ली से लेकर तमाम वैसी जगह जहां हेमंत सोरेन हो सकते थे उन तमाम जगहों पर ईडी की जो टीम है वो छापेमारी कर रही थी। उसके बाद अचानक जो हेमंत सोरेन है वो कल रांची पहुंचे, उन्होंने विधायकों की मीटिंग बुलाई, विधायकों के साथ मीटिंग की और तभी से ये लगने लगा था कि हेमंत सोरेन को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि आज 31 जनवरी को हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल होने वाले थे और खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि ईडी द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके जवाब हेमंत सोरेन द्वारा सही तरीके से नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके आधार पर जो ईडी है वो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है। तो हेमंत सोरेन ने आप लोग आ जाइए न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड इज गोइंग टू बी चंपाई सोरेन। नाउ द फैक्ट दैट देयर आर a large number of JMM MLAs that are gathered at the governor's residence shows that there is a majority of the MLAs with the JMM. Therefore, they don't have a problem in staking claim to form the government or sustain the government in Jharkhand right now, on the condition that if there is the arrest of Hemant Soren that is imminent, then it is going to be Champai Soren who's going to take his place instead. जो साजिश थी इस केंद्र में इस राज्य में भाजपा की जो साजिश थी कि पिछले दरवाजे से हमें शासन चलाना है, हमें यहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू करना है, इस साजिश को हम लोगों ने नाकाम कर दिया है। हम लोगों ने बहुमत के साथ समर्थन पत्र हम लोगों ने अपना नेता परम आदरणीय चंपाई सोरेन जी को झारखंड आंदोलनकारी झारखंड टाइगर के नाम से जाने वाले वरिष्ठ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को हम लोगों ने अपना नेता चुना है और हम लोगों ने इसकी इस आशय का ये सवाल आप ईडी से पूछे। हम लोगों ने अपना नेता चलिए आइए मैडम चलिए हो गया चलिए सब लोग प्रेस वाले प्लीज चलिए Right, so there are MLAs who are coming out and talking to the media. We are also getting to know, as per sources, that resignation of Hemant Soren has not been accepted. We are getting to know that the governor has not accepted the residence, the resignation of Hemant Soren. So, Naveen, is baare mein kuch prakash daliye. Hemant Soren ka resignation accept nahi kiya gaya hai governor dwara. ये हमारी सोर्सेज बता रही हैं, इसका इसका क्या मतलब हो सकता है? बिल्कुल देखते बताते कि झारखंड में जो कुछ भी चल रहा है वो काफी जरूरी हो जाता है। हेमंत सोरेन आरसी ईडी पूछताछ कर रही थी, उसी बीच खबर आती है कि हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे और उन्होंने वहां अपना इस्तीफा दिया। लेकिन ऐसे सोर्सेज इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो रेजिग्नेशन है वो मंजूर नहीं हुआ है। तो वही दूसरी तरफ जो बहुमत के साथ हम लोगों ने पूरे संख्या बल के साथ हम लोगों ने अपने हस्ताक्षर के साथ राजभवन को अवगत कराने का काम किया है
और हम लोगों ने अपना नेता चुन लिया। सर गवर्नर क्या मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया? अब ये आप वहाँ से पता लेकर जो गवर्नर साहब के यहाँ से ये बात आपको जानकारी मिली। अगले मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन होंगे क्या? अरे हम लोगों ने नेता चुन लिया, इसका मतलब क्या होता है? नेता चुन लिया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी होंगे, हम लोग अपना नेता चुन लिया। क्या राज्यपाल की तरफ से इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है? राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर लिए? अब ये हमें नहीं पता, ये राज्यपाल ये महामहिम राजभवन का बताएगा। चंपाई सोरेन जी के नाम पे मुहर, हम लोगों ने चुन लिया अपना नेता चंपाई सोरेन अगले मुख्यमंत्री। विधायक दल के नेता चंपाई सोरेन Right, I mean, so the MLAs at this point of time talking to the media saying that they have met with the governor, they have picked Champai Soren as their leader, as their chief minister. था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हम इस्तीफा देंगे, उस नाते वो राजभवन में आए हैं, राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देंगे और नए मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों ने चंपई सोरेन को अपना नेता चुना है, वो मुख्यमंत्री का हम लोग दावा करते हैं। बिल्कुल सभी विधायक अंदर जाना चाहते थे, रोका गया है, जब वो बुलाएंगे तो फिर जाएंगे। Back to Naveen Nisha. Naveen, okay, there is this much clarity that Champai Soren is now the new chief minister of Jharkhand. यहाँ पे हमने देखा गया कि काफी सारे MLAs हैं, हमें पता लग रहा है कि 5 JMM MLAs को गवर्नर ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो, उन्होंने नए चीफ मिनिस्टर का प्रपोजल भी डाला है, उनको एक्सेप्ट कर दिया गया है। अब आगे सिचुएशन क्या होती है? आपको आपने कहा कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा नहीं डाला होता अगर उनको पता होता कि वो अरेस्ट नहीं होने वाले हैं, तो इसमें ये तात्पर्य बनता है कि उनका अरेस्ट अब शायद होने वाला है। हेमंत सोरेन लंबे समय से झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और कोई वजह नहीं निकलकर सामने आ रही है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे। इस्तीफा वो तभी अपने पद से देंगे जब उन्हें ये लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बीते 48 हुई थी तो शायद इस्तीफे के बाद सबको जाने के लिए दिया जाएगा। विधायक दल की मीटिंग में चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री का अगला मुख्यमंत्री वही जी, यही निर्णय हुआ है कि चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ये शपथ ग्रहण का कोई समय तय हुआ नहीं? अभी ये सब बात नहीं हुई जी। नहीं, ये जो समर्थन पत्र है आप लोगों ने राज्यपाल को सौंपा है? नहीं, उसको सौंपने के लिए ही जाना चाह रहे थे लोग, लेकिन अभी फिलहाल सब लोग वेट कर रहे हैं, सारे विधायक। हमारे पास संख्या बल पूरा है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है। अंदर गए हैं क्या? इस्तीफा देने गए हैं शायद, ऐसी सूचना आ रही है जी। देखिए राज्यसभा सांसद है महुआ मांझी, और महुआ मांझी से आप झारखंड में जिस तरह की स्थिति बनी है अभी कैसी सुबह से ही? हाँ जी, देखिए ये तो पूरे देश में ही है, इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है भाजपा द्वारा, और जहाँ भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं जो भाजपा के नहीं है वहाँ इस तरह से सत्ता पलट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास संख्या बल है पूरी तरह से, सारे विधायक जो गठबंधन के हैं सभी साथ में हैं, सारे मंत्री साथ में हैं, और सब लोगों ने मिलकर अपना विधायक मुख्यमंत्री चुन ही लिया है। माननीय चंपई सोरेन जी जो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं उन्हीं को निर्णय लिया गया है कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार कर दिया था, आप लोग आगे क्या? अभी कोई रणनीति नहीं बनी है जी। बैठ जाएगा अब तमाम सभी विधायक ना उधर से आओ ना, उधर से विधायक ना, उनको चलना पड़ेगा। इधर आ जाओ, महुआ मांझी हैं, उन्होंने बात की है मीडिया के साथ, उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन का अरेस्ट अब हो गया है। तो इसमें क्या क्लैरिटी? अरेस्ट इसका मतलब तो ये पुष्टि होती है कि हेमंत सोरेन अब ईडी की हिरासत में है। बिल्कुल, देखिए ये संदेह पहले से था, पहले से ही था कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है,
क्योंकि जिस तरह दो दिनों से ईडी की टीम लगातार हेमंत सोरेन की तलाश कर रही थी, दिल्ली में भी कई ठिकानों पर जो ईडी की टीम है वो गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री का आवास, एयरपोर्ट, ये तमाम वैसी जगह थी जहां ईडी की टीम गई थी और मुख्यमंत्री को वो पकड़ना चाहती थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री उन्हें नहीं मिले और कल अचानक दोपहर जो मुख्यमंत्री हैं वो झारखंड पहुंचे और जब उन्होंने विधायक दल की मीटिंग बुलाई तो उसके बाद से ही ये चर्चा होने लगी थी कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें ईडी गिरफ्तार कर सकती है, जिसके बाद कल विधायकों की मीटिंग बुलाई गई और उसके बाद जो चंपई सोरेन है और कल्पना सोरेन, इनके नाम पर सहमति बनी थी, लेकिन कल्पना सोरेन पे सभी विधायकों ने सहमति नहीं बनाई, जिसके बाद आज विधायक दल के जो नेता है वो चंपई सोरेन चुने गए हैं। और उसके बाद सीधा इसका मतलब ये है कि जो हेमंत सोरेन है जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्हें ईडी गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि अभी तक ईडी द्वारा इसकी जो कंफर्मेशन है वो नहीं की गई है, लेकिन आमतौर पर हेमंत सोरेन इस्तीफा उसी समय अपने पद से देते जब उन्हें इस बात का अनुमान हो जाता कि उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि दिन में भी ऐसी खबर आ रही थी कि जो ईडी है उसके सवालों का सही तरीके से हेमंत सोरेन ने जवाब नहीं दिया। तो निश्चित रूप से जो खबरें आ रही हैं उससे इतना जरूर समझ में आ सकता है कि चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी जो हेमंत सोरेन है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ओके, तो आज ही चंपई सोरेन का स्वेरिंग इन सेरेमनी भी खत्म हो जाएगा, इसी के साथ झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो जाता है। पर हेमंत सोरेन का अब कितनी देर तक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इंटरोगेशन करेगी, वो कितनी देर तक हिरासत में रहेगी, और ऑब्वियसली फिर उनको राउस एवेन्यू कोर्ट में लेकर जाया जाएगा जिसमें इस सारे मामले की कार्यवाही हियरिंग होगी। देखिए, जरूरी नहीं है कि हेमंत सोरेन को राउस एवेन्यू कोर्ट लाया जाए, जिस भी कोर्ट में ये मामला होगा वहां पर उनकी पेशी हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर जब ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, पॉलिटिशियंस को गिरफ्तार किया जाता है, तो स्पेशल जो एमपी एमएलए कोर्ट है वहां पर उनकी सबसे पहले पेशी होती है, और निश्चित रूप से रांची में एमपी एमएलए कोर्ट जरूर होगा, तो सबसे पहले हेमंत सोरेन को वहीं पर जो है वो ईडी की टीम पेश करेगी, उनका मेडिकल, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो सबसे पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद उनकी 24 घंटे के अंदर उन्हें वहां पेश किया जाएगा, और उसके बाद ईडी की टीम चाहे तो उन्हें दिल्ली हेडक्वार्टर लेकर आ सकती है या फिर रांची का जो जोनल ऑफिस है ईडी का वहां पर उनसे पूछताछ हो सकती है, क्योंकि निश्चित तौर पर बड़े नेता हैं, कई मर्तबा वो झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो ऐसे में ईडी भी जो है वो जो कदम है वो फूंक फूंक कर उठा रही है तमाम जो कानूनी दावों पे। के बाहर इतना इंतजार करते देखा है? कभी नहीं देखा है, और ये संघीय ढांचा को आज 75वां देश की आजादी का जो मना रहे हैं अमृत महोत्सव अमृत, उसका सबसे बुरा दिन आज है जब फेडरल स्ट्रक्चर कंप्लीट मोदी राज में खत्म हो। राजभवन के सूत्र कह रहे हैं समय नहीं दिया था, 9:50 का समय था, 5-6 आदमी का समय था, ये डिक्टेट करना चाह रहे हैं गवर्नर हाउस को। ये 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 अगर वो कह रहे हैं तो वो तो ब्रिज पे पहले ही बैठे खड़े हुए हैं कि हम ब्रिज क्रॉस कर जाएंगे, तो ये उनसे भी तो पूछिए कि कौन सा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे सुबोध जी? चंपई सोरेन भी देखिए, चंपई सोरेन के बारे में आप बताइए, जैसे वो नेता आपके चुने गए हैं, कैसे व्यक्ति हैं, क्या वो इस तरीके से सरकार को साथ लेकर? मेरे ख्याल से ये सब चीजें अभी जब तक कि मुख्यमंत्री बाहर नहीं आते हैं गवर्नर हाउस से तब तक उस पर आकलन मत कीजिए, इंतजार थोड़ा और कर लीजिए। लेकिन आप लोग कह रहे थे कि ईडी अरेस्ट नहीं करेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। आप भी जो है जानते हैं कि आप इसमें जमीन का सवाल तो गांव देहात में भी जो है वो सिविल कोर्ट का सवाल होता है, उस पे चीफ मिनिस्टर को कोई कोहेसिव करे, कोई बुली करे और इस्तीफा करने के लिए मजबूर कराए, तो ये कौन सा कानून है? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि भ्रष्टाचार जो भी है वो सब यहीं से निकल रहा है, भ्रष्टाचार मिटाना है अपना अपना छोड़ के, भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही नहीं है उनका, तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस सब देश नहीं कर सकता है जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर आप इसको देखते हैं, इतना तो रियायत आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को जेल ना भेज के कैंप जेल में रखा जा रहा है? देखिए, शिबू सोरेन का बेटा है हेमंत सोरेन और वो जीवन भर जंगले में रहा है,
तो ऐसा नहीं है कि कहाँ भेजा जाए, नहीं भेजा, ये जो कानून व्यवस्था उनके जो गिरफ्तारी हो गई है हेमंत सोरेन की, क्या खबर है? ये कैसे कहा जाए, अभी मुख्यमंत्री अंदर गए हैं तो वो क्यों इस्तीफा देने गए हैं? वो इस्तीफा देने गए हैं, जो भी अपना अल्टरनेटिव सिचुएशन जो बनता है उसके प्लान लेके मतलब संकेत थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके पहले पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ कि इतनी घटनाएं हो रही हैं तो ऑथेंटिक दो चार मिनट रुकिए, अपने आप सामने आएगा। ये भविष्य की राजनीति पर असर डालेगा झारखंड में? इसकी भविष्य में जो राजनीति होगी विधानसभा लोकसभा के चुनाव में? देखिए, भाजपा जो है वो निश्चित तौर पे ट्राइबलों के खिलाफ रहा है, सीएनटी एसपीटी एक्ट लगा के इनके जमीन का हड़पने का काम कर रहा था रघुवर सिंह, उसका नतीजा है कि आज जो है पूरे आदिवासी समाज में गुस्सा है इस सारी चीजों को लेकर। भविष्य पे तो निश्चित तौर पे ये जो मनमानी कानून हमने बनाया था, ये ईडी का कानून, लेकिन इस दिन के लिए नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिटिकल यूज करके उसका जो है किसी को इवन चीफ मिनिस्टर को भी आप भगोड़ा डिक्लेयर कर। बड़ा सवाल, क्योंकि आप पुराने नेता हैं, चंपई सोरेन भी पुराने नेता, क्या जो मुद्दे हैं, जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, उन पर खड़े उतर पाएंगे चंपई सोरेन? अभी चंपई सोरेन हो या XYZ हो, जब तक कोई ओथ लेके मुख्यमंत्री नहीं बनता है आई कांट रिएक्ट। घोषणा हो गई है, प्रदेश अध्यक्ष ने भी घोषणा की है कि चंपई सोरेन को हम लोगों ने अपना नेता माना है, चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगे, अब उनको वोट दिया जाए, हमारे विधायक परेड करेंगे। परेड करने ही के लिए आए हुए थे कि अगर कोई आकर उसकी व्यवस्था है तो वो भी कर लेंगे, लेकिन गवर्नर मिलने से ही इनकार कर दिया उन्होंने। हेमंत सोरेन जी की मुलाकात होने के बाद उनका इस्तीफा ले लिया, बाकी लोगों से मिलने से इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। यस, लेकिन यहाँ पर जमीन घोटाले का मामला लगा हुआ है, बेहद गंभीर आरोप लगे। जब जमीन घोटाले गंभीर नहीं होता है मैडम, जमीन का मामला मामूली सिविल कोर्ट का मामला होता है, उसमें आज तक किसी को हमने गिरफ्तारी नहीं सुनी है। और ये क्या हो कि साहब एक लाइन कुछ बोल दे और उसके बाद कहे कि आप इस्तीफा दीजिए तो गिरफ्तार कर लेंगे? तो वो इस्तीफा देने क्यों गए? अगर उन्होंने गलती नहीं की थी तो फिर इस्तीफा देने के लिए क्यों गए वो? आप जो हो रहा है देश भर में गैर भाजपाई सरकारों के साथ, आप नहीं देख रहे कि गिरफ्तार कर लेंगे आपको? तो अगर वो 10 मिनट के अंदर का जो अभी खेल है कि चीफ मिनिस्टर अपना अल्टरनेटिव करके अगर चाहते हैं कि हम आए, क्या रुख होता है वो देख लीजिए। तो राजभवन ने परेड कराने से इनकार कर दिया विधायकों का, आगे क्या करेंगे आप लोग? अब लेट्स वेट, हम लोग तो इंतजार करेंगे कि क्या होता है हेमंत जी के अभी आने के बाद, वो क्या रिएक्ट करता है गवर्नर, उसके आधार पे हम लोग अपना रूपरेखा सुबह सुबह फिर आएंगे। 24 घंटा आने का हुआ तो हम लोग यही दरवाजे पे बैठ जाएंगे। अभी तो सारे विधायक यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए कि ठीक है लेट कोई समय अगर देने की बात है तो उसी वक्त आएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर स्थिति क्या है, गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, इस बाबत आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है? क्योंकि चीफ मिनिस्टर गए हैं अंदर, कोई गिरफ्तारी नहीं है उनके साथ। चंपई सोरेन ये लोग भी अंदर में ही है, ठीक है, हो गया। जिस तरह से संकट बना हुआ है जिस तरह से सुबह से So these are the big developments that are trickling in. The former chief minister of Jharkhand, who has just put in his resignation papers at the residence of the governor in Jharkhand in Ranchi, has been arrested by the enforcement directorate, and the new chief minister of Jharkhand is Champai Soren. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.